कम बोलना और लोगों को सुनना काफी फायदेमंद होता है। आप दिन भर में कितना बोलते हैं शायद ही आपने इस पे कभी गौर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। बहुत बार हम अपनी बातें बोलने के लिए बहुत ज़्यादा हम पछताने लगते हैं बाद में कि हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, हमें ऐसे बोलना चाहिए था, वैसे बोलना चाहिए था, और ये सब ज़्यादा बोलने के कारण ही होता है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, उतना ज़्यादा रिग्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा बोलने से बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, साथ ही लोग आपकी बातों को अनसुना भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन से फायदे हैं जो कि कम बोलने से होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा जो है नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहला फायदा कि ज्ञान बढ़ता है। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति किसी चीज के बारे में आपसे ज्यादा जानता हो, ऐसे में जब आप दूसरों की बात सुनते हो तो इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। लोगों को सुनकर आप ज्ञान की बातें सुनकर जीवन में भी उतार सकते हैं, इसलिए हमें कम बोलना चाहिए सो दैट कि आप अपनी ज्ञान की बातें लोगों में कम बताएं और लोगों से ज्यादा सीख पाएं। बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्ञान लेने में भी तो कोई हर्ज नहीं है ना, तो ज्ञान लो ना। दूसरा फायदा होता है कि आप मूर्ख साबित नहीं होते। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो कि व्यर्थ की होती हैं, ऐसे में दूसरे लोग उन्हें बेवकूफ समझने लगते हैं, मूर्ख समझने लगते हैं। ज्यादा बोलने से आपकी छवि पर लोगों का काफी ज्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, लोग सोचते हैं कि तो बड़बड़ाता रहता है। फायदा नंबर 3 कि आपको पछतावा नहीं करना होता, आपको रिग्रेट नहीं होता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं अक्सर वे दूसरों के सामने कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता देते हैं जिसको लेकर बाद में उन्हें पछतावा होता है, वो रिग्रेट करते हैं। इसका इन्हें बाद में इतना पछतावा होता है कि कई बार सोचते हैं कि मुझे तो उसे बोलना ही नहीं चाहिए था, और ये डिसाइड करते हैं कि अब तो मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। लेकिन वो भी एक ऑप्शन नहीं है, जहां जरूरत हो वहां आपको बोलना चाहिए, लेकिन उतना बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। फायदा नंबर 4 कि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। जब आप चुप रहकर दूसरों की बातों को सुनते हो और उनकी मुद्दों को समझते हो, अच्छी तरह समझते हो, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है अपनी चीज़ें आपको बताना। दूसरों को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनकी बातों को सुनना चाहें। आपको कभी ऐसा इंसान पसंद नहीं होगा जो सिर्फ बोले, आपको पसंद होगा जो आपकी बातों को सुने। इसी तरीके से आपको समझना चाहिए कि लोगों को भी आपको सुनना पसंद है, लोगों को भी अपने आप को सुनाना पसंद है रादर, तो उनकी बातों को सुनो, बोलो कम। आखिरी और 5वां फायदा बहुत अच्छा है कि लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। जब आप किसी को भी गंभीरता से सुनते हो तो इससे उस व्यक्ति को एहसास होता है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बातों को गंभीरता से सुना जाए, और जब आप ऐसा करते हो तो लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं और आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे हमेशा बात करना चाहेंगे, आपकी तारीफें करेंगे। तो किसको नहीं पसंद होती अपनी तारीफें। तो ये होते हैं वो 5 फायदे जो कि कम बोलने से होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब अच्छा लगेगा कि आप कम बोलते हैं।